my siksha in sitar has been from my father, Acharya Pandit Bemalendu Mukherjee, and he had his sitar training basically in the Imdad Khani Gharana, and वहाँ पे पास में गौरीपुर हुआ करता था जहाँ पे इनायत खान साहब रहते थे. There were lot of zamindars in those days. This is a story. This is before the partition. जो कि सितार के बड़े शौकीन हुआ करते थे और वो इनायत खान साहब के शिष्य. They were all disciples of इनायत खान साहब. खान साहब आते थे महीनों किसी के घर रहते थे कभी इसके कभी उसके like that. And my father was around 8 to 12 years of age in that was the range of time when my grandfather was in Mansion. And ये जो जमींदार लोग थे they were great patrons of sitar playing but not really very talented. लेकिन उनका शौक बहुत तगड़ा था. So they learned for years and years and years. This was the old system also. Somebody who could afford it could bring Khan Sahab over and उनके घर में वो रहते थे महीने. अब खोका my father as he was on khoka means a small boy. He was very popular with these people because he was extremely sharp. Gana gaate the. He had learnt singing from his mother, my grandmother. So gana gaate the and he had very sharp musical knack. Aur unke ghar mein wo aana jana unka chalta tha. To jab Khan Sahab sikhate the to unki ichcha thi ki khoka साथ में बैठ के सुनो. खोका सुनता था. और जब खान साहब अब थोड़ी देर सिखाएंगे उसके बाद ही हैज़ हिज ओन टाइम टू स्पेंड ऑल्सो. तो ये जमींदार उनको बोलते थे खोका अब तुम बताओ हमको क्या करना है. बिकॉज दे न्यू दैट ही वॉज सो शार्प दैट जस्ट हियरिंग दैट ही कुड एब्सॉर्ब एसिमिलेट एंड एब्सॉर्ब कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट वेर एक्सप्लेन्ड. So this was a very unique interaction, if you can call it an interaction. But समय ऐसा होता है इस यही उम्र में व्यक्ति का जो सांगीतिक जो it's like an impression burnt into the mind of a person. That happened to my father, and he got his thinking aligned with this concept. उसके बाद of course he इनायत खान साहब पास करें. माई फादर वॉज आई थिंक अबाउट 12 और 12 एंड हाफ समथिंग. और एक इंटरेस्टिंग बात इसके साथ ही मैं आपको कह देता हूँ कि इस घराने को क्योंकि इनायत खान साहब बहुत साल इमदाद खान साहब यस ही वॉज इन इटावा. सो द यू नो हमारे संस्कार में ऐसा बच्चों को सिखाया जाता है कि कभी अपनी डींग मत हाँकना. तो ही वॉज डूइंग वंडरफुली. So how to describe his music? He said ki Itawa Gharana. He gave the whole regard to the city which allowed him to live. Ye unhone sare wahan ke samaj ko shahar ko izzat diya. Lekin kaam unhone kiya tha. He did the work. To wo rahi us samay ki baat. Ab tab ke baad generation after generation beetta gaya. हम लोग जैसे आज की जनरेशन के हैं वी आर फार अवे फार आफ्टर दैट जनरेशन. हमारी क्या ड्यूटी बनती है? इटावा तो रहा लेकिन उस व्यक्ति को भी नहीं उस व्यक्ति को क्रेडिट देना हमारा इज आवर ड्यूटी. हाउ डू वी गिव क्रेडिट टू सच अ ग्रेट पर्सन? आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज अराउंड 21. मैं 21 साल का था. मैं छोटे मोटे प्रोग्राम्स में शुरू हुआ था मेरा. आई स्टार्टेड अनाउंसिंग द घराना नेम एज इमदाद खानी. दिस वॉज माई स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन. टूडे इमदाद खानी घराना इज स्पोकन अबाउट एवरीवेयर. जब मैं 21 साल का लड़का था तब इमदाद खानी नाम के बजाय वो इटावा घराने के नाम से आज भी कहा जाता है. ऐसी बात नहीं है लेकिन इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम. आज वो इमदाद खानी घराने से के नाम से जाना जाता है. एंड आई थिंक इन सम वे आई हैव डन अ लिटिल ड्यूटी टुवर्ड्स द घराना. माय सितार ऑब्वियसली स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5 अंडर माय फादर रिमेंड विथ माय फादर. उसी घर के चीज़ के अनुसार ही तो सीखना शुरू हुआ. उसके बाद सितार का
मैंने और भी स्वरूप सुना एज आई वॉज ग्रोइंग अप द मोस्ट प्रोमिनेंट बींग विलायत खसर एंड मुझे वो बहुत आई मीन आई वॉज अराउंड 7-8 ईयर्स ऑफ एज एट दैट टाइम वेन आई गॉट द फर्स्ट ओकेशन टू हियर हिज म्यूजिक सो इट गेव टू मी अब 7 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कितना वो समझदार हो सकता है लेकिन यू ऑल्सो डोंट नो हाउ द अनकॉन्शियस वर्क्स उसमें कौन सा चीज़ किस वक्त एम्बेड हो जाता है वन हैज़ नो वे ऑफ पॉइंटिंग एनीथिंग आप इसको पॉइंट करके कह नहीं सकते ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सितार मुझे ये चाहिए ऐसा चाहिए इन माय ओन लिटिल माइंड आई हैड नो वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट बट द ईयर्स दैट फॉलोड द म्यूजिक दैट आई ट्राइड टू एक्सप्रेस वॉज हैविंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक एज द गोल एंड I'm still pursuing that goal. The goal is very, very far away. The nearer you reach, the you think you are reaching the goal, the further the goal goes away. ये जो सितार विलायत खान साहब के हाथ में accidentally आया. This was before that also he was a great sitar player. अब उस टोनल क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सितार जिसको हमने उसके बाद से 1955 ऑनवर्ड्स ऑल ऑफ अस इन द वर्ल्ड हैव हर्ड दैट सितार इन द हैंड्स ऑफ उस्ताद विलायत खान साहब दैट सितार वाज अ मार्वेलस इट हैड द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड व्हिच रेजोनेटेड विद द डिजायर्स ऑफ म्यूजिक इन द माइंड ऑफ दैट ग्रेट मैन सो द होल रिजल्ट वॉज अ रेजोनेंस एस्थेटिक रेजोनेंस द साउंड opened up the pathways to the possibilities of incredible musical expressions. Gharane ka jo aapne kaha ye kafi kuch sach hai aisa situation banta hai lekin gharane ko hum aise bhi to dekh sakte hain ki it's a personality it's a super impressive personality of a extremely talented person whose musical expression has gained such momentum that it becomes the gharana. A style, and a style of expression. The style of expression of one person, expression is the gift of God. Aur wo kis vyakti ke andar mein kis tarah se nikar jayega, ye kehna mushkil hai, till it happens. Once it has happened, such an extraordinary thing happening can never be bad. Itne alag kar de rahe hain, toh who is the loser? I am the loser. तो इसमें आप किसी और की चीज़ को अगर assimilate करके अपने अंदाज से और अपने see you have a base already a base क्योंकि आप छोटपन से एक घराने में सीख रहे हैं किसी दूसरे घराने की कोई एक्सेलेंस अगर आपको देखने के बाद you are capable of assimilating it आप जब उसे assimilate करेंगे तो वो उस तरह से नहीं आएगा वो आपके सीखे हुए अंदाज के साथ वो अपने आप इंटीग्रेट होगा एंड द रिजल्टेंट विल बी अ मैग्निफिशेंट कॉन्फ्लुएंस आप उसको दूर से देख सकते हैं यू कैन डिस्कार्ड इट आप उसके अंदर डुबकी लगा के उसका आनंद ले सकते हैं इट्स अप टू यू देखिए कलाकार जैसे हम रियाज कर रहे हैं गुरुजी ने हमको कुछ बताया है भैया रियाज करो घिसो पीटो इसको तो हम वो काम कर रहे हैं हमारे हाथ में एक साज है वो साज से एक आवाज़ निकल रहा है अब वो जो आवाज़ है वो क्या हमारी चाहत मैनी टाइम्स इट सो हैपन्स दैट द पर्सन प्लेइंग डज नॉट बॉदर टू रियली रिकग्नाइज उसे खुद क्या पसंद कर आता है तो उसे साज दे दिया गया भाई ये ऐसा सितार है सितार आई एम सितार प्लेयर ऐसा सितार है इसको इस पर बजाओ It's not necessary that the person's desire for the sound will be the same as that the sound given to him in that sitar. तो वो चलता है एक tug of war. अगर वहाँ पे expression करने की इच्छा तो है साज बोलता है कि भैया मेरे से नहीं बनेगा लेकिन कलाकार को वही साज के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो क्या होगा अंदर में उस कलाकार का He will be frustrated. He will
He will want to play and not get any support from the sound of his instrument. So uski jo possibilities hain, us vadak ki jo possibilities hain, wo puri tarah se nikhar nahi payega. 50%, 60% jyada se jyada. Riyaz ke upar bajayega. Riyaz kiya hai to kuch na kuch to acha bajega. Lekin jo music part of it will not be happening totally. अब उसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा साज दे दीजिए जिसकी जो टोनल क्वालिटी है वो उसके मन की इच्छा का साकार रूप मिल गया. सोचिए, इट इज़ ए एक्सप्लोजन ऑफ एस्थेटिक्स, टोटल रेजोनेंस. जो अच्छे सितार वादक विलायत खान साहब से, वो सितार ने उनको उस्ताद विलायत खान साहब बना दिया. दिस इज व्हाट आई मेंट. अब आप बोलिए, क्या सितार बोलता नहीं है? कलाकार चेष्टा करता है, लेकिन कलाकार को बुलवाता है उसका साज. इन माई केस आई वॉज नॉट सो लकी. ईश्वर ने जो थोड़ा बहुत टैलेंट दिया, हाथ में एक भी अच्छा साज नहीं दिया. सो फॉर ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स इन माई लाइफ आई वेंट ऑन चेंजिंग माई सितार इन द एक्सपेक्टेशन कि भाई इसमें नहीं हुआ तो बाई चांस. दैट चांस नेवर केम टू मी. सो इन 95 आई सेड आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस. It was going to the level of nonsense. तो मैंने सोचा कि अगर इधर इसके अंदर कुछ है और अगर मेरे इमेज में वो सितार का आवाज़ है जो मैंने सुना है, तो एक अगर बना है by any chance, तो दूसरा वैसा बन सकता है. Only the process is not known. So it was a small 15-year long struggle, personally financed. I almost ended up destroying 37 or 35 sitars and made for myself a process and thereby a sitar which you will be hearing tonight. And I completed my work in 2008. उसके बाद से ये सब सितार हैं. तो इस सितार में अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत म्यूजिक है वो कम से कम उतना तो निकल पा रहा है. पहले उतना भी नहीं निकल पाता था, ये मेरा सोच है. लोग कहते हैं आपके हाथ में बड़ी तैयारी है, बहुत स्पीड है. यू नो व्हाई दैट तैयारी एंड स्पीड? बिकॉज ये सितार मुझे मेरा मनपसंद नहीं मिलता था, तो रियाज बहुत बढ़ाना पड़ता था सो दैट आई सर्वाइव एज ए म्यूजिशियन ऑन द स्टेज. बहुत रियाज बढ़ता है तो थोड़ी स्पीड उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच्ड हो जाता है. बट दैट्स नॉट म्यूजिक. म्यूजिक इज ओनली व्हेन आपकी साज आपको पहचान के वही टोन देता है जो आपको चाहिए. हाउ इजी डू यू थिंक वुड दैट बी? वेल, यू आर वेरी काइंड. माय प्रोसेस फॉर दैट एल्केमी इज स्टिल ऑन गोइंग. माय प्रोसेस फॉर मेकिंग माय सितार साउंड एज आई वांटेड डेफिनेटली हैज सक्सीडेड. इनफैक्ट people might find it if I find it strange if I tell them that, you know, playing sitar and whatever sitar I play, really more than that, my achievement in life is to be able to reach out to create the sound of the kind of sitar that I always wanted to play. This is definitely my achievement. Classical music requires this kind of in-depth patronage and इसे इतना fine sense के साथ present कर पाना, इसके बारे में सोचना, इसे लोगों के सामने लाना, सिर्फ लाना नहीं लेकिन a way of bringing it, that makes it so special. ये काम भाई साहब Jashn-e-Deccan and all the members who are participating in this work, I really congratulate them for this effort. And I pray to Almighty that their efforts bring the greatest fruits, that means the highest propagation of Indian classical music amongst the upcoming generations.